हम इस समय नई दिल्ली के छावनी एरिया यानी कैंट एरिया में है, जहाँ सेनाएं रहती हैं, अपनी मूवमेंट करती हैं। बहुत पुराना है, अंग्रेजों ने बसाया है। और ये सामने एक बोधि रुख है, बोधि रुख यानी पीपल का रुख यानी पीपल का पेड़। इसी ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे बौद्ध गया में बुद्ध को यानी सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई थी। मन के और मस्तिष्क के बारे में जो रिलेशन होता है, मत्थे के बारे में और मन के बारे में, वो उन्होंने वहाँ खोजा था। ये बहुत हरा भरा एरिया है और ये एक बोधि वृक्ष यहाँ भी है, बोधि रुख हर जगह आपको मिलेगा। इसको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और एक देखिए यहाँ ये ठुंट, देखिए ये जो ठुंट है इस पे दो चिड़ियाएं बड़े मज़े से बैठी हुई हैं और एक इस पे बोधि रुख भी है। ये जो ठुंट है इसी के बारे में मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। इसके पास चलते हैं, चिड़ियाएं उड़ जाएंगी, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि चिड़ियाएं तो फिर आके बैठ जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। ये एक चिड़िया तो अभी बैठी हुई है और एक उड़ गई है। ये ठुंट है, दूसरी भी उड़ गई है। दरअसल इस ठुंट के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए है कि जीवन कभी भी रुकता नहीं। आपने गाना सुना होगा, आंधी से तूफान से झुकता नहीं है या रुकता नहीं है या डरता नहीं है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इस ठुंट में, यानी कि ये डेड अब पेड़ हो चुका है, रुख हो चुका है, और इस रुख में ये एक बोधि वृक्ष आ गया है। ये बोधि वृक्ष की जो जड़ है ये नीचे जा रही है और ये बड़े मज़े से चल रहा है। बोधि रुख यानी कि पीपल का जो पेड़ होता है उसकी एक खास बात होती है कि वो कहीं भी उसका जो चिड़िया है उसका बीज खाती हैं या उड़ के आ जाता है, और कहीं भी उसे हल्का सा पानी मिल जाए तो वो जम जाता है और फिर वो सर्वाइव कर जाता है, उसकी जड़ें नीचे आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। मगर यहाँ जो मेरा मतलब है इस ठुंड से, वो ये है कि भगवान बुद्ध बताते हैं कि जीवन का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। इसको दुख चक्र भी बोलते हैं, यानी दुखों का चक्र है जीवन, पैदा होना, फिर आगे बढ़ना, फिर बूढ़ा होना, फिर बीमार होना, फिर उसको मर जाना, फिर पैदा होना। कई लोगों ने इस थ्योरी को बाद में पुनर्जन्म से भवचक्र के नाम से खूब ज़्यादा प्रसारित करने की कोशिश की। दरअसल ये पुनर्जन्म नहीं है, ये नेक्स्ट बर्थ है। जैसे ये पेड़ अब मर गया, इसका नेक्स्ट बर्थ इसके बीजों द्वारा होगा। ऐसे ही ये बोधि रुख जो यहाँ आया है, इसका नेक्स्ट जो बर्थ है वो बोधि के वृक्ष द्वारा, बीजों द्वारा होता है। यानी ये सेम पेड़ दोबारा पैदा नहीं होगा। जिस तरह से इसकी शेप है, जिस तरह से इसकी रचना है, जिस तरह से इसका आकार है, जिस तरह से इसका साइज है, ये दोबारा नहीं आएगा। ये पेड़ की बात है, पेड़ के अंदर चेतनाएं नहीं होती। चेतना मतलब मन नहीं होता, मगर जीवों के अंदर मन होता है। जो छोटे जीव होते हैं उनमें बहुत छोटा सा मन होता है, और जो बड़े जीव होते हैं उनमें ज़्यादा मन होता है। और मनुष्य में जो मन होता है, आप उसको कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मन होता है। इसलिए वो अपने दुख को और सुख को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। वो चाहे तो अपना दुख बढ़ा भी सकता है और वो चाहे तो अपना दुख घटा भी सकता है। इसलिए ये बात बहुत मज़ेदार है कि मनुष्य अपने दुख का और अपने सुख का
खुद ही मालिक होता है। अत दुख एंड सुख, यानी कि अपना ही दुख अपना ही सुख। तो यहाँ चिड़ियों की बढ़िया चहचहाट भी है, सुबह का मौसम है और ये धम्म का और ज्ञान और बुद्ध का ज्ञान हर जगह आपको मिल जाता है, नेचर में बिखरा हुआ पड़ा है। धन्यवाद। Thank you.